हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ द व्लॉग। तो ये है मेरा ट्रैवल व्लॉग का सेकंड पार्ट, जिसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम लोग कैसे स्टे करते हैं, क्यों मैं होटल्स में स्टे नहीं करती हूँ और कौन कौन सी जगह पे हम यूजुअली रहते हैं। सो ये हमने फर्स्ट ब्रेक लिया है यहाँ पे आफ्टर 4 आवर्स ऑफ आर ड्राइव। यस, तो जहाँ हम जा रहे हैं वो है 750 किलोमीटर्स दूर हमारे यहाँ से, और ये हमने अराउंड 400 किलोमीटर्स कवर करने के बाद सुबह सुबह शायद 9 बज रहा था उस टाइम पे जब हमने फर्स्ट ब्रेक लिया था अपना ब्रेकफास्ट के लिए। यस, तो ये एक फेमस वुड फ्राइड पिज़्ज़ा का रेस्टोरेंट है और यहाँ पे हम अपना पिज़्ज़ा ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम आगे की ड्राइव के लिए जाएंगे। तो ब्रेकफास्ट हो गया है, अच्छा सा यम्मी सा पिज़्ज़ा खा लिया है और हम जा रहे हैं अपनी ड्राइव पे। सो अराउंड 350 किलोमीटर्स रह गया है और हम विद इन 4 आवर्स मैक्सिमम पहुँच जाएंगे। सो सी गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं। तो हमें लगा था कुछ 8 आवर्स 750 किलोमीटर्स कवर करने में, इंक्लूडिंग हमारा ब्रेक। सो ये है एक कॉटेज। यप, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग कॉटेजेस क्यों लेते हैं। तो ये एक सेल्फ केटरिंग कॉटेज है और हमने 2 यूनिट्स बुक कराए थे इसमें, क्योंकि हमारे साथ एक और फैमिली, इंडियन फैमिली ट्रैवल कर रही थी। तो ये हमारा फर्स्ट कॉटेज है। तो कॉटेजेस, सेल्फ केटरिंग कॉटेजेस में क्या होता है कि आपको सब कुछ अवेलेबल होता है। तो प्रॉब्लम दोबारा से यही है कि हम हैं वेजिटेरियन और जहाँ पे, जिस सिटी में हम आए हुए हैं वो बहुत ही छोटी है, तो यहाँ पे एक भी इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है। तो इसलिए हम यूजली जब भी ट्रैवल करते हैं तो हम कॉटेज बुक कराते हैं, जिससे कि हम वहाँ पर सब कुछ अपना बना के खा सकें। यस, सो एज यू कैन सी यहाँ पे 2 रूम्स हैं, बहुत अच्छे से रूम है, आपको सब कुछ मिलता है। कुकिंग के लिए सारे बर्तन मिलते हैं जो भी आपको रिक्वायर्ड है, गर्म पानी आता है, मतलब आपको सारी चीज़ अवेलेबल है। और ये रहा दूसरा कॉटेज, ये कंपैरेटिवली उस वाले से बड़ा है। तो इसमें पहले आपको दिखेगा एक ये पासपोर्ट वाला लॉक, यस, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। फिर आप अंदर एंटर करोगे, इसमें है एक प्रॉपर ड्राइंग रूम जहाँ पर टीवी भी लगा हुआ है और बच्चे काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उस दिन बहुत अच्छा सनी डे था। तो हम जिस सिटी में आए हैं ये है सदरलैंड। तो ये यहाँ पे स्टार गेजिंग के लिए बहुत फेमस है। तो मैं आपको साइट सीन का कुछ भी पार्ट दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि हम गए थे रात में स्टार गेजिंग के लिए। तो हम स्पेशली इसी वजह से आए थे कि यहाँ पे क्या है, पॉल्यूशन नहीं है, वेदर बहुत क्लियर रहता है, तो यहाँ पे स्टार गेजिंग बहुत अच्छी होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, इनके पास बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप होते हैं और ये उन टेलीस्कोप से रात में हमें स्टार्स दिखाते हैं, मून्स दिखाते हैं, जो उनका ओरिजिनल शेप है वो दिखाते हैं। तो हम उस चीज़ के लिए यहाँ पे आए हुए हैं एंड आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं उसको कवर नहीं कर सकती थी क्योंकि हम बिल्कुल डार्क मून लाइट में जाके उसको देख कर आए थे। सो यस, तो मैं आपको बाकी का रूम दिखा दूँ। इस रूम में है पियानो, लिविंग रूम आपने देखा होगा कितना ही ब्यूटीफुल है। और अभी हम एंटर करते हैं किचन में, नहीं किचन से पहले, यस, ये है डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम के सामने है एक लॉन्ड्री एरिया, आई गेस, यस, ये ड्राई बालकनी काइंड ऑफ थिंग। और उसके अलावा फिर अब हम चलते हैं किचन में। किचन इनका बहुत ज़्यादा बड़ा था और किचन में आप देख लो कि हमारा सामान कैसे फैला पड़ा है, क्योंकि हमने यहाँ आके भी कुकिंग ही करनी है और वही करा हमने। सो किचन में यहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल थी, स्पून्स है, कुकिंग का सारा सामान है, बचा कुचा जो मेरा इलेक्ट्रिक कुकर था वो बहुत काम आ जाता है, उसमें सारा काम हो जाता है मेरा। और या दैट्स इट, अगर आप देखोगे ध्यान से तो बहुत कलरफुल सा है किचन। गैस बड़ी एंटिक सी थी इन लोगों की, पता नहीं कौन सा पुराना सा स्टोव है ये, डिफाई का, लेकिन हाँ चल तो बराबर रहा था बाबा, इसमें काम सारा हो गया था हम लोगों का। तो ये है किचन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है हम लोगों के लिए, मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि बच्चों के साथ ट्रैवल करो तो खाना तो लगता ही है। और यूजुअली तो हम हमेशा डिनर के लिए बाहर चले जाते हैं क्योंकि सब जगह इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाता है, बट ये सिटी बाय गॉड इतनी छोटी थी कि यहाँ पे एक भी रेस्टोरेंट नहीं था इंडियन। सो अच्छा हुआ मैं सारा सामान लेकर आई थी, तो काफ़ी हेल्प रही, मैंने काफ़ी कुछ कुक कर लिया था। सो ये है बाथरूम। बाथरूम में भी सारी एमिनिटीज़ होती हैं, सब कुछ ऑलरेडी वो लोग प्रोवाइड करते हैं। और मतलब इस लाइक पूरा एक घर जैसा आपको फील होता है, ऐसा लगता है आप एक घर से दूसरे घर में आ गए। तो इसी मारे हम लोग ये सेल्फ केटरिंग वाले कॉटेजेस बुक करते हैं, जैसे कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये है एक बेडरूम और ऐसे ही करके दूसरा बेडरूम है यहाँ पे, कवर्स वगैरह, ब्लैंकेट्स, ड्यूवेट सब कुछ है यहाँ पे। तो अच्छा खासा पूरा घर ये लोग देते हैं और ये सब जगह अवेलेबल है। हम जो बग जाते हैं तो भी हम ये लेते हैं सेल्फ केटरिंग, और हम केप टाउन भी बहुत जाते हैं तो केप टाउन में भी मैं सेल्फ केटरिंग ही लेती हूँ ज़्यादातर, थोड़ा सा ईजी रहता है, खाने वाने की टेंशन नहीं रहती। उसके लिए तो इंडिया मिस करते हैं यार, खाने के लिए तो इंडिया मिस करते हैं।
देखो भाई ये हमारा इंटरनेशनल खाना बन रहा है मैगी जो आप सब्जेक्ट खा सकते हो। अच्छा हमारे इन ट्रिप्स पे ना सब लोग काम करते हैं। अब जैसे खाना हमने बनाया तो यहाँ पे बर्तन पतिदेव धो रहे थे, यस, तो वो उनका काम रहता है। नहाने लगती है, ऐसी गंदी सी घूम रही है। देखो हाँ जी, तो देख लो भाई हमारी हैपनिंग ट्रिप, कुकी सुपर फेल ट्रिप है हमारी। कुकी कुकी वो कुकीज पराठा इज गेटिंग रेडी। रूम क्या होता है 2 मिनट्स। हमने सोचा था कि हम बाहर आएंगे खाएंगे कुछ, पर देखो हम यहाँ पर खाना बना रहे हैं। और क्या सोच के बना रहे हैं कि पॉजिटिविटी इज अ चॉइस, तो हम ये पॉजिटिव फील कर रहे हैं कि वहाँ हम अपने अपने घर में बना रहे होते हैं या हम मिलके बना रहे हैं। तो भाई ये ट्रिप मेरा फेल ट्रिप इसलिए था क्योंकि जब भी हम कहीं आउटिंग पे जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो एटलीस्ट हम एक मील तो बाहर कर ही लेते हैं। कहीं ना कहीं इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाता है तो डिनर हम बाहर करते हैं, लेकिन हमारे इस ट्रिप पे हमने तीनों टाइम खाना घर पे बनाया क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं था। सो एनीवेज एंजॉय कर लिया, दोनों फैमिलीज थी तो काफ़ी इंजॉय कर लिया। और यस, अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर। तो हम 800 किलोमीटर दूर वहाँ गए थे खाना बनाने, अब हम वापस जाके भी खाना बनाएंगे। तो रिटर्न के टाइम पे भी हमने रास्ते में ऐसे ही लंच किया था, ये था हमारा लंच ब्रेक का टाइम। यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे स्पॉट्स बने रहते हैं हाईवेज पे जहाँ आप रुक के लंच कर सकते हो, बिल्कुल क्लीन रहते हैं, बिल्कुल नीट रहते हैं। तो हम एज़ यूजुअल घर से ही बना कर लाए थे। तो भाई ऐसे अपना साइड में कार पार्क करो और ओल्ड स्टाइल पिकनिक वे में अपना खाना इंजॉय करो। सी दोनों पूरा हाईवे है, वहाँ पे व्यू अच्छा है, दिन भी अच्छा है। सो बस हम लोगों ने यहाँ ब्रेक लिया था, अपना खाना वाना खाया और उसके बाद हम सीधे अपने स्ट्रेट ड्राइव करके घर के लिए निकले थे। तो ये था मेरा छोटा सा ट्रैवल मिनी व्लॉग। और आई एम सो सॉरी साइट सीन का मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाई क्योंकि रात में कुछ शूट होता नहीं स्टार गेजिंग के लिए, बट एक्सपीरियंस वॉज सो सो गुड। इतना अच्छा लगा स्टार्स का रियल शेप देख के और स्टार्स को देख के कि बस क्या बताऊँ। कहने को खाने का काम बहुत ज़्यादा हो गया था, बट स्टिल इन्जॉय बहुत किया, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया क्योंकि ज़्यादा कहीं कुछ गए भी नहीं, ज़्यादा बाहर जाने का झंझट नहीं था। सो ऑल टुगेदर अच्छा था, एक अच्छा रिलैक्स वीकेंड हो गया। एंड दैट्स इट गाइस, कैसा लगा आपको व्लॉग मुझे ज़रूर बताएं और नेक्स्ट व्लॉग जल्दी पोस्ट करूँगी। टिल देन बाय।